हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ हल्का हेल्दी लेकिन कुछ चटपटा सा मिर्च मसालेदार लोबिया चाट। लोबिया को ब्लैक आइड बीन्स या काउ पीस भी कहते हैं या चौली भी कहते हैं। ये एक अंडररेटेड लेंटिल है, हालांकि ये फाइबर से भरपूर है और इसमें विटामिन्स मिनरल्स बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। तो चलिए चलते हैं, पहले इसको भिगोते हैं। ये मैंने 1.5 कप के करीब, जितना भी पड़ा था मेरे पास लोबिया, मैंने इसको लिया है। इसको 2-3 वॉश दे के मैंने इसको अब भिगो दिया है। इसको मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगोया है। ये अच्छे से अब भीग गया है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि इसको हमने ड्राई रखना है। मैं बॉयल करके अभी रखने जा रही हूँ। बस इसमें थोड़ा सा ही पानी रखना है। एक चलाने पर आँच कम कर दें और 3-4 मिनट तक रखें। ज़रा सा पानी डालना है इसमें, बस ये 1/2 कप के करीब इसमें मैंने पानी डाल दिया है। इसको एक विसल आने पर 3-4 मिनट तक कम आँच पे रखें। तब तक मैं मेरी पूल की गेम जो स्टार्ट की हुई थी 10-15 मिनट की रह गई है, इसको मैं फिनिश करके आती हूँ। ये गेम अब मैंने फिनिश कर ली है और अब मैं वापस अपने किचन की तरफ आ रही। ये पूल की टेबल जस्ट किचन के बाहर ही लगी है हमारे फैमिली लिविंग रूम में। ये अब मैं पहले थोड़ी सी सब्जियाँ जो इसमें डलनी हैं, रॉ सब्जियाँ, टमाटर, खीरा, प्याज, मिर्ची, ये सब मैं चॉप कर रही हूँ और थोड़ा गार्निशिंग के लिए भी फ्लावर्स काव करूँगी। तो चलिए अब मेन किचन में एंट्री करते हैं। वेलकम टू माई किचन। और बाहर का व्यू थोड़ा लेते हैं फ्रेश होने के लिए। अभी शाम का समय है। अब ये इंग्रेडिएंट्स सारे मैंने शेल्फ पे रख दिए हैं। ये चॉप सब्जियां हैं, लोबिया भी गल गया है, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, जितना पानी था उतना यूटिलाइज हो गया है, सॉफ्ट हो गया है, बहुत हार्ड भी नहीं है और ये मशी भी नहीं है बिल्कुल। अब इसमें मैंने ये चॉप प्याज डाला है, 1 प्याज के करीब डाल दिया है चॉप बारीक। लोबिया में अपना ही फाइबर बहुत है, ऊपर से वेजेस का भी फाइबर ऐड हो रहा है। ये टमाटर डाल रही हूँ, टमाटर भी 1 मीडियम डाला है। जो चाट के लिए चीज़ें चाहिए वो सब हैं इसमें। ये उबला हुआ आलू है, उबले आलू को आप चाहे पहले तो फ्राई कर लें या सोटे कर लें और फिर इसमें मसाला भी लगा सकते हैं उसमें। मैंने ऐसा नहीं किया है, डायरेक्ट बॉयल ही डाल दिए हैं। इसको मैं जितना हेल्दी है उतना ही ऑयल फ्री बनाना है मुझे। ये चाट मसाला है 1 चम्मच। ये धनिया पाउडर है। इन मसालों की महक से मुंह में पानी आ रहा है। ये मेरी फेवरेट चाट है। ये थोड़ी सी लाल मिर्च है। मिर्ची का उपयोग मैंने ज़्यादा नहीं किया है क्योंकि मेरे घर के कई मेंबर्स को मिर्ची नहीं पसंद। और ये जीरा पाउडर है, थोड़ा सा जीरा पाउडर मैं लास्ट में ऊपर से भी ऐड करूँगी। अब ये क्यूकम्बर, लोबिया में पहले से ही नमक डाला हुआ है इसलिए बाद में थोड़ा सा ही एडजस्ट होना है नमक। इसको मैं साथ साथ मिक्स कर रही हूँ। हरी मिर्च मैं इसमें सिर्फ ऊपर से ऐड करूँगी, बीच में नहीं ऐड कर रही ताकि वो आसानी से जिसको नहीं खानी है वो निकल जाए। अब इसमें मैं ये आलू मैंने इसमें थोड़ा और ऐड कर दिया है और अब ये खटास के लिए मैं नींबू का रस ऐड कर रही हूँ। आप अपनी पसंद के अनुसार इसका टेस्ट एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें अब मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और ऐड कर लिया है और अब ये थोड़े अनार के दाने हैं, इनसे कलर भी अच्छा आता है और ये हेल्दी भी होते हैं, टेस्ट भी इनहांस होता है। अब ये कोरिएंडर लीव्स हैं चॉप्ड। आप चाहें तो इसमें ग्रीन चटनी और
इमली की चटनी भी ऐड कर सकते हैं, मैंने नहीं की। अब चलिए इसको परोसते हैं। अब तो रहा नहीं जा रहा, सभी वेट कर रहे हैं कि कब ये चाट बने और वो खाएं। सबके मुंह में पानी आ रहा है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी? बहुत ही हेल्दी रेसिपी है और ये लोबिया जो है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स है, ये वेट लॉस के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है और ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। तो इसे आप ज़रूर बनाएं, इसको अपने मेन्यू में ज़रूर ऐड करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो कृपया लाइक कमेंट सब्सक्राइब और शेयर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब प्रेस करें और साथ में बेल आइकॉन भी दबाएं, जिससे आपको मेरे न्यू अपलोड्स की नोटिफिकेशन प्राप्त हो। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई रेसिपी के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, हमसे जुड़े रहिए। स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड। गुड बाय, थैंक यू। ये मैंने टमाटर को भी काव किया है और ये क्यूकम्बर को भी काव किया है, इसको भी प्लीज़ देखें कैसे काव किया है। इससे मैंने चाट को गार्निश किया है। इसका प्रोसीजर आगे है, इसको ज़रूर देखें, वीडियो मेरा एंड तक देखें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।